हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। माय सेल्फ बी एल गुप्ता। आज क्लास इंटरमीडिएट के सभी बच्चों को स्टूडेंट्स, मैं लेसन नंबर वन है अ गर्ल विद बास्केट, इसका मैंने पहले समरी और क्वेश्चन आंसर बताए हैं और आज मैं आपको सभी को इसके एक्सप्लेनेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये बोर्ड, इस साल के बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को कर लिया तो समझ ले उसके 10 मार्क्स पक्के हैं और इस साल इसके आने के बहुत चांस हैं। आप इसको बार बार लिख करके देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 10 मार्क्स अवश्य मिलेंगे। 10 में से 9.5 तक मिलते हैं, 9 तक तो मिलेंगे ही। तो मैं आपको इसकी अब हिंदी समरी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या है, इसकी हिंदी क्या है। इसमें विलियम सी डगलस, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश थे, वो भारत के भ्रमण पर आए थे और उन्होंने यहाँ भारत में आकर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना भ्रमण जब किया तो उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखा। उन्होंने सबसे ज़्यादा इफेक्ट, जो इम्प्रेस्ड हुए थे, वो 9 ईयर्स की ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल जो थी, उस जो टोकरियाँ और बास्केट बेच रही थी, वो उससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे स्टूडेंट्स। और इसमें अब आपको इसमें ये लास्ट पैराग्राफ, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेसन अ गर्ल विद बास्केट्स रिटन बाय विलियम सी डगलस। तो ये लास्ट पैराग्राफ है, इसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का विवरण उनको बताया था और उन्होंने बताया था कि उनको यहाँ का ये देश भारत क्यों अच्छा लगा, इसमें किस प्रकार उन्होंने क्या देखा। तो इसके बारे में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बताया, तो अब देखिए क्या कहते हैं ये रेफरेंस। तो ये द पीपल आई सॉ इन इंडिया से लेकर सोल ऑफ इंडिया, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है बच्चों। तो इसको आप बुक निकाल करके देखेंगे, उसको रीडिंग कर लीजिए और मैं उसका अब बता रहा हूँ आपको रेफरेंस। तो रेफरेंस तो बच्चों आप जैसे पहले भी लिखते थे वैसे ही है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये गर्ल विद बास्केट से लिया गया है, इसके राइटर विलियम सी डगलस हैं स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, द ऑथर इज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल। लेखक जो था वो छोटी रिफ्यूजी गर्ल जो थी उसके व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही गॉट एन आइडिया ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू द इंटरेक्शन, और उसने भारत के लोगों के बारे में जो विचार था वो इससे बातचीत करके उन्होंने पता किया विलियम सी डगलस ने। ही हैड विद द ब्यूटीफुल गर्ल, तो कौन सा इंटरेक्शन, इस छोटी लड़की के साथ वार्तालाप करने के बाद जो इंटरेक्ट हुआ उससे उसने इस भारत के लोगों के बारे में विचार अपने रखे कि यहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आगे क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन में देखेंगे बच्चों। ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, भारत की यात्रा के दौरान, विजिट के दौरान, द ऑथर सॉ पीपल लिविंग इन द विलेज, लेखक ने गांव में रहने वाले लोगों को देखा। ही फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और उन्होंने ये पाया विलियम सी डगलस ने कि भारत में रहने वाले लोग सेल्फ रेस्पेक्ट से भरे हुए हैं। दे न्यू हाउ टू बिहेव डिसेंटली, यहाँ के लोग ये जानते हैं कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए अपने अतिथियों के साथ। दे वर सिंसियर, वे बहुत ही सिंसियर हैं यहाँ के लोग, ऑनेस्ट, ईमानदार हैं, हार्ड वर्किंग हैं स्टूडेंट, परिश्रमी हैं, एंड हैड ए डिज़ायर फॉर फ्रीडम, और यहाँ के रहने वाले लोग आज़ादी की कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं, फ्री रहने की इच्छा करते हैं। द गर्ल हुम द राइटर मेट, वो लड़की जिससे लेखक मिला था वो कौन सी थी, 9 ईयर्स की ओल्ड गर्ल थी जो बास्केट और फेंस बेच रही थी, अनएजुकेटेड थी, वो अशिक्षित थी, एंड हैड नो नॉलेज ऑफ गुड मैनर्स, उसको व्याकरण का, अच्छी संस्कार सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं था, बट हर एटीट्यूड वॉज रिफ्लेक्टेड इन हर रिफ्यूजल टू चैरिटी, लेकिन उसका एटीट्यूड उस चैरिटी को रिफ्यूज कर दिया था। कौन सी चैरिटी बच्चों, इसमें जो दान के रूप में लेखक उसको बिना उसका सामान खरीदे देना चाहता था उसने उसको वापस कर दिया था, तो इस बात ने उसको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ उससे। द ऑथर गॉट एन आइडिया ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू हर कंडक्ट, और उसके आचरण से उसने
उस लड़की के आचरण से लेखक ने भारत के लोगों के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया कि यहाँ के लोग बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्टेड हैं, बहुत ही अपने देश पर गर्व करते हैं। शी वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्टेड सोल ऑफ इंडिया। और ये लड़की जो थी वो भारत की सेल्फ रिस्पेक्ट जो सोल है, आत्मा है भारत की, उसकी प्रतिनिधि की तरह थी। द लिटिल गर्ल शोड हिम द रियल पिक्चर ऑफ इंडिया। और अंत में विलियम सी डगलस पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि इस लड़की ने मुझे भारत की सच्ची तस्वीर के दर्शन कराए। तो ये बच्चों आपका इस साल का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था। आप इसको बार बार लिख करके करें, प्रैक्टिस करें, और आपके इसमें से 10 मार्क्स में से 9 तक तो आपके अवश्य आएंगे, 9 हाफ भी आ सकते हैं। और आप अच्छे से लेबर करें, मेहनत करें। आई एम ऑलवेज विद यू। और आपको समय समय पर मैं ऐसे ही और आगे एक्सप्लेनेशन के वीडियो आज के बाद में कंटिन्यू भेजता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। जो पहली बार जुड़े हुए हैं बच्चे, वो सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य किया करें ताकि आपको अच्छे से वीडियो मिले, बेल आइकॉन भी दबाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे विद बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। गुड बाई।